गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। आई एम आल्सो फाइन। चलिए बेटा, पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर आपको ओपन करना 32। यहाँ पे देखिए, राइट है स्कूल इज फन। जो स्कूल इज फन टॉपिक है, इसी को रीड करेंगे। ईवीएस बुक ए चैप्टर नंबर 4 में आपको ओपन करना है स्कूल इज फन टॉपिक। मिला सभी को? रिकॉर्डिंग चलिए बुक ओपन कर लीजिए आप लोग भी। बेटा स्क्रीन पे बुक सबको दिखने लगी? एक बार यस बोल दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, लास्ट सेशन में हम लोग ईवीएस में क्या रीड कर रहे थे, कौन सी टॉपिक पढ़ रहे थे ईवीएस में? बोलो बार 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 और सुना था महान। इसमें लास्ट में क्या पढ़ाया जा रहा था? अंशुमान मेरे सामने आके बैठिए। अंशुमान सामने आके बैठो, आप कहाँ पे हो, दिख नहीं रहे हो। मैं कौन सी बुक? ईबीएस की बुक कितनी बार पूछते हो? तो लास्ट में पढ़ रहे थे आप लोग इस गोइंग टू स्कूल टॉपिक थे, इसके बारे में रीड कर रहे थे कि नितिन जो है, जो नितिन बॉय है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में क्या क्या मतलब क्या क्या करता है, पढ़ता है, फिर अपने बुक पढ़ता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, लंच करता है। आज लोग पढ़ेंगे बेटा स्कूल इज फन। स्कूल में बहुत ही मजे होते हैं, आनंद होते हैं, ठीक है। व्हिच इज योर फेवरेट एक्टिविटी एट स्कूल? स्कूल में आपकी सबसे अच्छी एक्टिविटी कौन सी आपको लगती है? संतुष्ट, आपको स्कूल में कौन सी एक्टिविटी करना ज्यादा अच्छा लगता है? माइक ऑन करिए संतुष्ट। नहीं बातें करिए, मुझे आना पड़ेगा जी। बेटा बुक सबको दिख रही है ना स्क्रीन पे? नो मैम, अभी दिख रही मैम दिख रही है। हाँ ठीक है, नेटवर्क नहीं था इसलिए नहीं दिख रही थी, अब दिख रही होगी। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो व्हिच इज योर फेवरेट एक्टिविटी एट स्कूल? चलिए बताइए संतोष, आपको स्कूल में आपकी सबसे अच्छी एक्टिविटी कौन सी लगती है? स्कूल में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करना आपको ज्यादा पसंद होता है? पढ़ना कि लिखना कि प्लेइंग करना, क्या करना आपको अच्छा लगता है स्कूल में? कि डांस करना अच्छा लगता है, कि सिंगिंग करना अच्छा लगता है, बताइए। मैं सिंगिंग। कुछ नहीं अच्छा लगता? चलिए अंशुमान आप बताइए। अंशुमान आप की सबसे अच्छी एक्टिविटी आपको कौन सी लगती है स्कूल में करना? व्हिच इज योर फेवरेट एक्टिविटी एट स्कूल? स्कूल में आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, लिखते हो, प्लेइंग करते हो, डांस करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, डांस करना, कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, इस कंप्यूटर चलाते हो स्कूल में, पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है। चलिए बेटा आगे यहाँ से पढ़ते हैं। देयर आर मेनी रूम्स इन नितिन स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे नितिन के बारे में, तो नितिन के स्कूल में कई सारी जो है रूम है, कमरे है। There are many rooms. यहाँ पे कई सारे कमरे हैं। कहाँ पे? In Nitin's school. Nitin के स्कूल में। जैसे आप
लोग के स्कूल में भी कई सारे कमरे हैं ना बेटा, कि एक ही कमरा है? कई सारे हैं। तो ऐसे ही नितिन के स्कूल में भी कई सारे कमरे हैं। सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग। हाँ ठीक है, लाइट बंद करिए। लाइक क्लासरूम, क्लासरूम है मीन्स अलग अलग क्लास का अलग अलग रूम है। लाइब्रेरी है उसके स्कूल में, म्यूजिक रूम भी है, कंप्यूटर लैब भी है एंड एक्टिविटी रूम। और एक एक्टिविटी रूम है जहाँ पे लोग क्या करते हैं बेटा, बच्चे जाके एक्टिविटी करते हैं। कोई एक्टिविटी करवाना हो किसी सब्जेक्ट में तो एक्टिविटी रूम में मैम ले जाती है, वहाँ पे उस रूम में बच्चे एक्टिविटी करते हैं। जैसे कोई पेंटिंग करना हो या कागज से कुछ बनाना हो, ठीक है, क्राफ्ट वर्क, तो ये सब वर्क जो है एक्टिविटी रूम में करवाई जाती है। एंड कैंटीन, कैंटीन भी उसके स्कूल में है जहाँ पे बच्चों को भोजन मिलता है, कैंटीन है। ओके, तो इसके स्कूल में इतने सारे क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम तो कई सारे होंगे, सभी बच्चों का अलग क्लासरूम होगा, क्लास फर्स्ट का अलग क्लास होगा, क्लास सेकंड का अलग क्लास होगा, थर्ड का अलग होगा ऐसे। एंड लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सभी का होता है, सब बच्चे आके पढ़ते हैं उसमें, चाहे जिस क्लास के बच्चे हों, लाइब्रेरी सभी का होता है। म्यूजिक रूम भी सभी का एक ही होता है, सबका क्लास अलग लगा होता है, अलग अलग क्लास में आके म्यूजिक रूम में सब बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अपना म्यूजिक सीखते हैं, सॉन्ग प्रेजेंट करते हैं। आप कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब भी एक ही होता है, सब बच्चे आके उसी में कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। एक्टिविटी रूम भी एक ही होता है सभी के स्कूल में, बच्चे आके एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे। एंड कैंटीन, कैंटीन भी एक ही है, ठीक है। तो इतने सारे रूम जो है नितिन के स्कूल में है। क्या आपके स्कूल में इतने सारे रूम है बेटा, बताइए? चलिए देखिए, जो इतने सारे रूम है उसके स्कूल में, नितिन के रूम में जो इतने सारे स्कूल है, जो रूम है इसके स्कूल में नितिन के, जैसे क्लास रूम है, म्यूजिक रूम है, एक्टिविटी रूम है एंड कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, इन सब में नितिन क्या क्या करता है, इन सभी रूम में नितिन क्या करता है? नितिन लर्न्स टू रीड एंड राइट इन द क्लासरूम। जैसे क्या सभी को पता है कि हम लोग पढ़ते लिखते कहाँ पे हैं, क्लासरूम में बैठ के लिखते पढ़ते हैं। तो नितिन भी अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करता है और लिखता है, जो मैम पढ़ाती है उसको पढ़ता है। ये नितिन का क्लासरूम है। नितिन लर्न्स, नितिन यहाँ पे सीखता है, क्या सीखता है? टू रीड, पढ़ना सीखता है, एंड राइट और लिखना सीखता है इन द क्लासरूम। कहाँ पे? क्लासरूम में। सबको आया समझ में? यस मैम। जान के वीडियो ऑन कर लो बेटा, वीडियो ऑफ दिख रहा है आपका। देन ही गोस टू द लाइब्रेरी टू रीड्स बुक। वह लाइब्रेरी में जाता है क्या करने के लिए बेटा? किताबें पढ़ने के लिए। जब फ्री टाइम होता है बच्चों के पास, अंशुमान वीडियो और माइक बंद करिए। जब फ्री टाइम होता है बच्चों के पास, बच्चे कहाँ पे जाते हैं? लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। वहाँ पे कहानी की किताब होती है, वहाँ पे पोएम की बुक होती है, कॉमिक बुक होती है, कई सारी बुक वहाँ पे रखी होती है जो आप पढ़ना चाहो। वहाँ पे बच्चे जाके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, खाली टाइम में। सबको आया समझ में? लाइब्रेरी रूम को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तक रखी होती है, सारी किताबें रखी होती हैं, आप जाके अपनी मर्जी से कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लाइब्रेरी कहते हैं। हाँ बेटा संतोष, क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं, सामने आके बोलिए, थोड़ा पास में आके बोलिए। नहीं आवाज क्लियर हो रही है, क्या बोल रहे हैं? ना कोई सुन रहा है? संतोष क्या बोल रहे हैं? नो मैम। बच्चे से कोशिश करिए बेटा, क्या बोल रहे हो आप? संतोष
मिथिन लाइब्रेरी में बुक रीड करता है। हाँ लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी किताबें पढ़ सकते हैं, जो भी बुक वहाँ पे हो, चाहे कहानी की बुक ले लो या कोई कविता की बुक हो या कोई कॉमिक बुक हो, कोई भी बुक हो किसी सब्जेक्ट की यहाँ पे होती बेटा, बच्चे आके बैठ के पढ़ते हैं वहां से बुक लेकर। ओके आया समझ में? मैं संतुष्ट। तो कई स्कूल में है, अपने स्कूल में नहीं है लेकिन और कई सारे स्कूलों में है बेटा लाइब्रेरी होती है, आपके स्कूल में भी हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में कई सारी बुकें रखी होती है, जो भी आपको पढ़ना चाहो आप लेके पढ़ सकते हैं। देन He sings and learns to play the guitar in the music room. म्यूजिक रूम में बच्चे क्या करते हैं? वह जो नितिन है म्यूजिक रूम में he sings, वह गाता है and learns, और सीखता है, क्या सीखता है? To play the guitar. गिटार को कैसे प्ले करते, कैसे बजाते हैं, उस गिटार को बजाना सीखता है म्यूजिक रूम में, और गाना गाना सीखता है इन द म्यूजिक रूम, कहाँ पे? जो म्यूजिक रूम है। ओके He learns how to operate a computer in the computer lab. He learns वह सीखता है how to operate means कैसे चलाते हैं, क्या आप कंप्यूटर means कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, ये सब को कहाँ पे सीखता है? वह कंप्यूटर लैब में सीखता है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है सबके बारे में बताया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को ओपन कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, कौन सी की होती है, हम पेंटिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर में, राइट कुछ कैसे करते हैं, सब के बारे में वो कंप्यूटर के बारे में सीखता है कंप्यूटर लैब में। जैसे आप लोग सीखते हो ना कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के बारे में, वैसे yes, में, अपने स्कूल में जो कंप्यूटर लैब yes, है उसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर चलाता है। देन ही गोस टू द स्कूल कैंटीन, वह स्कूल कैंटीन में जाता है टू हैव लंच, क्या करने के लिए? लंच करने के लिए। कैंटीन में बेटा सभी लोग जाके बच्चे लंच करते हैं, वहाँ पे लंच लेते हैं और लंच करते हैं, ठीक है, दोपहर का भोजन, लंच में दोपहर का भोजन जो होता है, तो कैंटीन में बच्चे जाते हैं लंच के समय, वहाँ पे लंच करते हैं। देन ही लर्न्स टू मेक पेपर फ्लावर, वह जो है पेपर का फ्लावर बनाना सीखता है। लर्न मीन्स सीखना, मेक मीन्स बनाना, पेपर मीन्स कागज, फ्लावर मीन्स फूल, तो कागज के फूल बनाना सीखता है, तारे बनाना सीखता है। एंड टू अदर क्राफ्ट, और अलग कोई और भी हाथ का वर्क करते हैं, मतलब कागज से वर्क करते हैं इन द एक्टिविटी रूम, कहाँ पे बेटा? एक्टिविटी रूम में कागज कटिंग करके सब बच्चे बनाते हैं, वहाँ पे कागज के फ्लावर बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, और भी कोई कुछ बनाना हो तो कागज का बनाते हैं, कहाँ पे बेटा? एक्टिविटी रूम में क्राफ्ट वर्किंग सिखाया जाता है, कटिंग वर्क सब क्लास वर्क में, कागज कट करके अच्छी अच्छी डिजाइन बनाना, क्या आप लोग भी करते हैं ऐसा बेटा? यस मैम। हाँ ठीक है, तो आप सभी लोग कागज कटिंग करके कुछ बना के सेंड करेंगे आज, ठीक है, कागज को कट करके कोई डिजाइन बना के सेंड करेंगे सभी लोग आज, करोगे कि नहीं? कागज लेना, कागज से कोई भी डिजाइन बना के सेंड करना, कोई फ्लावर बना, फ्लावर हो या स्टार हो या होम हो, कुछ भी बना के सेंड करो कागज का, लेकिन ठीक है, कागज कटिंग करके सब लोग करेंगे ना? करेंगे। हाँ ठीक है, पढ़ने के बाद सभी लोग कटिंग वर्क करके सेंड करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा आपको तभी करके सेंड करना। मैम फ्लावर करेंगे। हाँ ठीक है, क्या फैक्ट में क्या लिखा हो बेटा? फैक्ट यहाँ पे है, इन द अर्ली टाइम मींस पुराने समय में, अर्ली मींस पुराने टाइम मींस समय में, पुराने समय में क्या होता था? क्लासेस हुआ थे, जो क्लास ली जाती थी कहाँ पे? अंडर ट्री, पेड़ के नीचे, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, इन द ओपन एयर मींस खुली हवा में, खुली हवा में पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे पहले समय में। आपने देखा होगा टीवी में दिखता होगा, आपने रामायण देखा होगा, रामायण में देखो राम भगवान बैठ के पढ़ते हैं पेड़ के नीचे ना, क्यों देखा कि नहीं देखा? उनके गुरु उनको पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते हैं। तो पुराने समय में ना सभी लोग बच्चे गुरु के पास जाते थे गुरुकुल में, तो वहां पे गुरु उनको, उनके टीचर जो थे पेड़ के नीचे बैठा के उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है।
तो स्कूल है तो स्कूल में पढ़ने आते हैं। पहले था कि सब लोग जाके गुरु के घर जाके पढ़ते थे, वहाँ पे सब अपने अपने टीचर के घर जाते थे, वहाँ पे टीचर उनको पेड़ के नीचे बैठाते पढ़ाते थे। पूरा समझ में ना, पहले बिल्डिंग नहीं बनती थी, स्कूल नहीं होता था, तो पेड़ के नीचे बैठ के अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। सुना है कि नहीं किसी ने? पहले लोग पेड़ नीचे बैठे पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे वहीं पे, और टीचर के साथ रहते थे, उनके घर पे रहते थे, अपने घर नहीं रहते थे। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी अपने घर वापस आते थे, पढ़ने के बाद वहीं पे टीचर के साथ ही रहते थे। ओके, टीचर के साथ पढ़ते थे, टीचर का काम करवाते थे, सब कुछ वहीं पे करते थे, खाना भी वहीं पे खाते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो अपने घर वापस आते थे, लौट कर पूरा पढ़ाई पूरा करने के बाद। चलिए आगे देखते हैं, सबको आगे समझ में बेटा जो पढ़ाया गया आज? यस मैम। चलिए बेटा रीडिंग करिए, अंशुमान पढ़ोगे बेटा? माइक ऑन करिए, रीडिंग करना है कि नहीं? जो करना अपना हैंड को कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मन हो पढ़ने का तभी पढ़ो। हाँ चलिए रीडिंग करिए, अंशुमान यहाँ से पढ़िए। की जगह पे यहाँ पे मैं वीडियो कंप्यूटर लैब ही गोस टू स्कूल C A N C
ओके स्टॉप बेटा, चलिए आप रीड करिए नेक्स्ट। सास्वत आवाज आ रही बेटा आपको, सास्वत चलिए सास्वत वीडियो ऑन करिए, पढ़िए बेटा सास्वत। यस मैम। हाँ रीड करिए यहाँ से, लेट्स सी व्हाट नितिन डज इन दिस रूम। खोला कौन बेटा, वही नहीं करना आपको, संतोष
चलिए बेटा आगे देखिए, आज के होमवर्क देख लीजिए क्या कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड कंप्लीट करें, फर्स्ट बाद में करवा देंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है, टाइम ओवर होने वाला है। फर्स्ट सेकंड देख लीजिए क्या करना है। सेकंड में वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द, वी लर्न हम सीखते हैं पढ़ना और लिखना, कहाँ पे सीखते हैं, कौन से रूम में, इस तरह से सीख सकते हैं बताइए। हम पढ़ना लिखना कहाँ पे सीखते हैं, कौन से रूम में? लाइब्रेरी पढ़ना लिखना सीखते हैं। हम जो है अधिक किताबें पढ़ सकते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे लाइब्रेरी फिल करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। बी सिंग इन द, हम गाना कहाँ पे गाते हैं, कौन से रूम में गाना गाते हैं? म्यूजिक रूम। अभी म्यूजिक रूम फिट कर लेंगे, ठीक है। म्यूजिक We do art and craft work. हम art drawing कहाँ पे करते हैं और craft work और जो cutting करके जो design बनाते हैं तो work कहाँ पे करते हैं, कौन से रूप में? Activity room note कर लीजिए। सभी का complete हो गया बेटा? We go to the school canteen. हम स्कूल कैंटीन में जाते हैं टू हैव क्या करने के लिए बेटा? टू हैव बताइए। लंच करने के लिए। हाँ ठीक है बेटा। टू लर्न कंप्यूटर, वी गो टू, कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं बेटा, कौन से रूम में? कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब फिर कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए मेरा टाइम ओवर हो गया है, अब बाकी जो एक्सरसाइज है कुछ ना बचा है वो बाद में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एबीएस के। तो जितना आज करवाएगा इसको आप कंप्लीट कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे, ओके? Yes, ma'am. Okay, goodbye, students. Ma'am, goodbye. Goodbye.